नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जय हो अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम 25 जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो मिशन एमपीपीएससी 2019 को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। जैसा कि हमारे हर मॉक टेस्ट में शुरू के जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर पर बेस्ड होते हैं, और जो नेक्स्ट 15 होते हैं वो जीके यानी कि जनरल नॉलेज पर बेस्ड होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक और यहाँ पर जानकारी मैं आपको दे दूँ कि इससे पहले 19 मॉक टेस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं, जिनमें एमपीजी के एमपी स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी वीडियोस हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एक बार वो वीडियो जरूर देख लें, उसके बाद ये 20वें मॉक टेस्ट पर आएं। ओके, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में। तो जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए अगला जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसका, वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। शुरू के 10 क्वेश्चन, फर्स्ट देखिए, हैशटैग मी टू अभियान को किस देश ने अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। आपको बताना है कि ये जो अभियान है जो अभी सुर्खियों में चल रहा है, इसको किस देश ने अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी या फिर इटली। ओके, सही आंसर है स्वीडन। स्वीडन ने 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में इस अभियान को शामिल किया है। ये अभियान अभी हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में था। इसके तहत जो महिलाएं हैं उनके साथ जो अतीत में हुए यौन शोषण के बारे में वो इस अभियान के तहत खुलकर बात कर रही थीं, तो काफ़ी सुर्खियों में था। याद रखना है आपको कि मी टू अभियान स्वीडन ने अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। अगला देखिए, पहला संविधान दिवस कब मनाया जाता है। आप लाइव चैट के माध्यम से आंसर दे सकते हैं, अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो लाइव चैट के माध्यम से ज़रूर आंसर दें। बताएँ पहला संविधान दिवस कब मनाया गया, 26 नवंबर 2013, 26 नवंबर 2014, 15 या फिर 16। सही आंसर है इसका 26 नवंबर 2015। ओके, पहला जो संविधान दिवस मनाया गया वो 26 नवंबर 2015 को मनाया गया। यहाँ पे आप दो तीन बातें हैं जिन्हें याद रख सकते हैं कि जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और ये जो प्रभावी हुआ था वो 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था। ये भी आप इसमें याद रख सकते हैं, संविधान भारत का संविधान के अंतर्गत। ओके, और मनाना शुरू हुआ 26 जनवरी 2015, भीमराव अंबेडकर साहब की 150वीं जयंती वर्ष के रूप में हमने इसको मनाना शुरू किया, भारत सरकार ने घोषणा की थी। ओके, चलिए अगला देखिए, थर्ड क्वेश्चन, भवानी देवी किस खेल से संबंधित हैं। बताना है आपको भवानी देवी किस खेल से संबंधित हैं, बॉक्सिंग, फेंसिंग, स्क्वैश या फिर बैडमिंटन। अभी हाल ही में ये सुर्खियों में है भवानी देवी, इसका सही आंसर है फेंसिंग। ओके, और ये अभी इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सीनियर राष्ट्रमंडल फेंसिंग चैंपियनशिप, फेंसिंग यानी तलवारबाजी। ओके, तो तलवारबाजी सीनियर राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप चल रही थी ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ऐसा करने वाली ये भारत की एकमात्र खिलाड़ी हैं फेंसिंग में। ओके, याद रखिएगा आप इसे, भवानी देवी फेंसिंग और 2 गोल्ड मेडल। फोर्थ देखिए, आंसर बताइए लाइव चैट के माध्यम से कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 23 नवंबर, 24, 25 या फिर 26 नवंबर। सही आंसर है इसका 26 नवंबर, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है जो प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। और ये जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीस कुरियन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन, इनके जन्मदिन के उपलक्ष में ये जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में भगवान राम की भव्य मूर्ति लगाने का प्रस्ताव रखा है। 4 ऑप्शंस हैं, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या या फिर सारनाथ। आपको सही आंसर बताना है इसमें, और इसका जो सही आंसर है वो है अयोध्या। अयोध्या में भगवान राम की जो मूर्ति है वो बनेगी, और इसका जो अनावरण है तस्वीर का वो भी ऑलरेडी हो चुका है। और ये जो मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो अभी हाल ही में जिसका उद्घाटन समारोह हुआ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, उससे भी ऊंची होगी भगवान राम की ये मूर्ति, याद रखना है आप इसको। और ये पूरी पीतल की बनाई जाएगी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में इसका प्रस्ताव रखा है बनाने का। अगला देखिए, नासा ने इनसाइड यान हाल ही में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा है या उतर गया है, बताइए, मार्स, जुपिटर, मरकरी या फिर वीनस। इनसाइड यान इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, सही आंसर है मार्स, मंगल ग्रह पर नासा ने इनसाइड यान उतारा है अपना। और ये जो यान है ये मंगल ग्रह पर भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करेगा,
और इसमें सोलर पैनल भी लगे हुए हैं, आप याद रख सकते हैं सोलर पैनल इस यान में लगे हुए हैं। ओके, तो इनसाइड यान मार्स ग्रह से संबंधित है। अगला देखिए, मैत्री दिवस का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, बताना है आपको मैत्री दिवस जो है वो किस राज्य में मनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर आसाम। सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में क्या होगा, ये जो दिवस है मैत्री दिवस, ये जो आयोजन है ये एक बहुसांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम है। ओके, और इसका जो उद्देश्य है मनाने का वो ये है कि वहाँ के जो नागरिक हैं और वहाँ नागरिक को भारतीय सेना इंडियन आर्मी इनके बीच जो मैत्री की भावना है उसको और गहरा किया जाए, इसलिए ये मनाने का उद्देश्य है। तो मैत्री दिवस का आयोजन अरुणाचल प्रदेश, याद रख सकते हैं आप। ओके, अगला देखिए, 8th क्वेश्चन है, अफ्रीका और एशिया के लिए क्षेत्रीय एकीकृत बहु खतरे प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने किस चक्रवात को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चक्रवात घोषित किया है, इंपोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चार ऑप्शन है, गज, सैंडी, तितली या फिर ओनेल, बताना है आपको। जो बहु खतरे प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है इसको RIMES भी बोलते हैं, ये भी आप इसमें याद रख सकते हैं, RIMES। इसका मतलब होता है रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अफ्रीका एंड एशिया। ओके, याद रख सकते हैं इसमें आप। तो बताइए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर किसे कहा गया है, इसका सही आंसर है तितली। इस चक्रवात को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर घोषित किया गया है, क्यों, क्योंकि इसकी विनाशकारी क्षमता को देखते हुए किस तरीके से इसने तबाही मचाई। ओके, कहाँ पे, उड़ीसा, हाँ ये बात और इसमें याद रख लीजिए आप कि ये अक्टूबर 2018 में ये जो चक्रवात है तितली ये उड़ीसा तट पर आया था, ओडिशा के तट पर, कब, अक्टूबर 2018 में। तो यहाँ पे इसकी विनाशकारी क्षमता को देखते हुए RIMES ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चक्रवात घोषित किया है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, किसे सम्मानित किया जाएगा फिल्म समारोह में विशेष पुरस्कार से, जावेद अख्तर, अनुपम खेर, सलीम खान या फिर अनुराग बासु। तो सलीम खान साहब को क्या किया जाएगा, फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये एक पटकथा लेखक हैं। ओके, पटकथा लेखक और सिनेमा में उनके जीवन भर के योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा, सलीम खान साहब को विशेष पुरस्कार। ओके, अगला देखिए, मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, बताना है, कुश्ती, शूटिंग, बैडमिंटन या फिर मुक्केबाजी। ये भी अभी हाल ही में सुर्खियों में है, मनु भाकर, बताइए इसका सही आंसर। चार ऑप्शन हैं यहाँ पे, कुश्ती, शूटिंग, बैडमिंटन है, मुक्केबाजी, बताइए। मनु ये भास्कर नहीं है, भाकर है, भाकर। ओके, तो मनु भाकर जो है ये शूटिंग से हैं, हाल ही में सुर्खियों में है, इन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं अभी, 2 गोल्ड जो राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में जूनियर स्पोर्ट्स में। ओके, जूनियर स्पोर्ट पिस्टल में 2 गोल्ड, तो आपको याद रखना है कि मनु भाकर जो है वो शूटिंग से है। ओके, अगला देखिए जी, ये 10 क्वेश्चंस जो थे ये करंट अफेयर पे बेस्ड थे जो हमने समझे। अब हम जनरल नॉलेज जीके से क्वेश्चंस देखेंगे जो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हो सकते हैं। पहला देखिए, टागानिका झील अवस्थित है, बताना है आपको टागानिका झील। ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पे, तंजानिया, जाम्बिया और कांगो, नाइजीरिया, नाइजर और चाड, ये सारे अफ्रीका के देश हैं, केन्या, युगांडा और तंजानिया या फिर इनमें से कोई नहीं, टागानिका झील। ओके, इसका सही आंसर है ये, ए, तंजानिया, जाम्बिया और कांगो, ये विस्तृत है इन 3 देशों में टागानिका झील। इसके बारे में 2-3 बातें हैं जो आपको याद रखनी ही है। पहला ये है कि ये विश्व की सबसे लंबी झील है मीठे जल की, ठीक है, मीठे जल की अगर लंबाई में बात करें, ओके, लंबाई के हिसाब से देखें तो मीठे जल की सबसे लंबी झील है, कितनी इसकी लंबाई है, लगभग 660 किलोमीटर। ओके, टागानिका झील की लंबाई लगभग 660 किलोमीटर है। अगर हम वॉल्यूम और गहराई के हिसाब से देखें, वॉल्यूम और गहराई, ओके, डेप्थ के हिसाब से, तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी, अभी मैंने लंबाई की बात की थी, तो लंबाई की तो पहली है सबसे लंबी मीठे पानी की, लेकिन अगर हम बड़ी के हिसाब से बात करें तो दूसरी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वॉल्यूम के हिसाब से। पहली कौन सी है, लेक सुपीरियर, वो अमेरिका और कनाडा की सीमा पे जो लेक सुपीरियर है वो सबसे बड़ी है, लेकिन ये दूसरी है, दूसरी सबसे बड़ी। तो सही आंसर है तंजानिया, जाम्बिया और कांगो। अगला देखिए, 12th देखिए, निम्न में से किन के मध्य कुमायूं हिमालय का विस्तार है, बताना है आपको। चार ऑप्शंस हैं, सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य, या फिर सतलज एवं काली, या फिर काली एवं तीस्ता, या फिर तीस्ता और देहांग, ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। सही आंसर जो है इसका वो है सतलज एवं काली, यानी कि जो है बी वाला बिल्कुल सही है इसमें, कुमाऊं हिमालय है
जो सतलज एवं काली नदियों के मध्य भारत को भारत की हिमालय को जो प्रादेशिक आधार पर विभाजित करते हैं चार भागों में, उन्हीं में से एक है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, उन चारों में इसकी जो लंबाई है, जो विस्तार है, वो सबसे कम है, लगभग 320 किलोमीटर है उन चारों में। ओके, तो सही आंसर है कुमाऊं हिमालय सतलज एवं काली नदियों के मध्य। कीमत नहीं है ये, मध्य है, के मध्य है। ओके, मध्य। अगला देखिए, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में किस शासक का नाम उल्लेखित है? चार ऑप्शन है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अजात शत्रु या फिर अशोक। बताना है आपको मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख। सही आंसर है अशोक। इन अभिलेखों में जो है उस अशोक का नाम उल्लेखित है। अगला देखिए 14, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की प्रमुख घटना थी? बताइए इसका सही आंसर, विदर्भ से युद्ध था, यवनों से संघर्ष था, या फिर खारवेल से युद्ध था, या फिर सभी। जी, इसका जो सही आंसर है वही यवनों से युद्ध। ये यवनों से जो संघर्ष था, ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की एक प्रमुख घटना थी। ओके, इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। अगला देखिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पढ़िए क्वेश्चन को, कि किस पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया? बताइए सही आंसर, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, या फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो निम्न में से किस में जो प्रति व्यक्ति आय थी उसको डबल करने का लक्ष्य रखा गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना में? सही आंसर है इसका 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये जो योजना है वो 2002 से लेके 2007 के बीच में चली ये योजना, और इसमें इस योजना के तहत बोला गया था कि जो अगले 10 वर्ष हैं उसमें प्रति व्यक्ति आय को दोगुना किया जाएगा, ये लक्ष्य इसमें रखा गया था, इसमें आप याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, मातुश्री पुस्तक के रचयिता हैं कौन है? मातुश्री पुस्तक के, सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, निर्मला सीतारमण, या फिर सुषमा स्वराज। मातुश्री पुस्तक, सही आंसर है सुमित्रा महाजन। ठीक है, और ये जो पुस्तक है ये अहिल्या बाई होलकर जो हैं उनके जीवन पे आधारित है, याद रखिएगा आप ये। ठीक है, और अहिल्या बाई होलकर कौन थी? ये 1700, ये मालवा की महारानी थी जिन्होंने 1767 से लेके 1795 तक वो शासन किया था, वहाँ की महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, याद रखिएगा। मातुश्री पुस्तक, सुमित्रा महाजन। ओके, चलिए 17 देखिए, बंकर चकर, ये अलग अलग हैं, बंकर और चकर और बंडर, ये जो तीनों शब्द हैं ये किस खेल से संबंधित है? बताना है आपको, पोलो, शतरंज, गोल्फ, या फिर स्क्वैश। बताइए सही आंसर, बंकर चकर, सही आंसर जो है इसका वो पोलो। ये जो शब्दावली है ये पोलो में इनका इस्तेमाल होता है, इन शब्दों का, याद रखिएगा पोलो। अगला देखिए, डायट किस देश की संसद है? बताना है आपको डायट, इजी क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप, जापान, इजराइल, मालदीव, या फिर रूस। ये इसका सही आंसर है जापान, जापान की संसद का नाम है डायट, और ये भी आप याद रख सकते हैं इसमें, जो रूस की है उसको ड्यूमा बोलते हैं, ड्यूमा, जो इजराइल की है इसको नेसेट बोलते हैं, नेसेट। ओके, और जो मालदीव की है इसकी संसद को मजलिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मजलिस। ओके, तो अगर प्रश्न को देखा जाए डाइट, तो सही आंसर है जापान। ओके, अगला देखिए, ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? सही आंसर आपको बताना है, चना, सरसों, मटर, या फिर गेहूं। ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस, इसका सही आंसर है वो है सरसों। अक्सर ये पूछ लेता है वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, तो आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनका जरूर याद रखना है, तो ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस सरसों है, और गेहूं का जो है वो है ट्रिटिकम एस्टिबम। क्या है इसका गेहूं का? ट्रिटिकम, याद रख सकते हैं आप इसे, और एसेटिवम। ओके, चना का भी याद रख सकते हैं आप, सीसर, चना का है सीसर एरिएंटिनम, सीसर एरिएंटिनम। ओके, और कौन सा बच रहा है? मटर, मटर का इसमें देख सकते हैं आप, पाइसम सेटिवम इसका भी है। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप जरूर याद रख लीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 19 के हिसाब से ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस सरसों। ओके, अगला देखिए 20, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? बताइए इसका सही आंसर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल, ऑप्शंस भी दिए गए हैं, 5 वर्ष या 60 वर्ष, 5 या 65, 6 या 65, या फिर 6 या 62। बताना है आपको सही आंसर। ठीक है, तो सही आंसर जो है उसका वो है 6 वर्ष या 65 वर्ष, सी बिल्कुल सही आंसर है, या तो 6 वर्ष पूरे हो जाए उनके कार्यकाल के, या फिर उनकी आयु 65 वर्ष हो जाए, तो क्या उनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसके में वो फिर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो सही आंसर है बिल्कुल सी। ठीक है, वर्तमान में देख सकते हैं आप, वर्तमान में राजीव महर्षि,
राजीव महर्षि जो हैं वो इसके प्रमुख हैं, और संविधान के 148 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, ये भी आप इसमें याद रख सकते हैं। अगला देखिए 21, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक रंग नहीं है, बताना है आपको, लाल, हरा, नीला या फिर पीला, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं, लाल, हरा और नीला, ये जो है प्राथमिक रंग है, जबकि पीला प्राथमिक रंग नहीं है, प्राइमरी कलर नहीं है, तो पीला इज द राइट आंसर। अगला देखिए, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1 हॉर्स पावर, 476 वाट के या फिर 764 वाट के या फिर 746 या फिर 674, बताइए सही आंसर। सही आंसर है 746 वाट के, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 4746 वाट, ओके। अगला देखिए 23, नॉस डॉक, ठीक है, किस देश का स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, नॉस डॉक, जापान, अमेरिका, सिंगापुर या फिर चीन, बताना है आपको सही। नॉस डॉक जो है वो अमेरिका का है, ओके, अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है नॉस डॉक, जबकि चीन का है शंघाई कॉम, चीन का एक जो मार्केट है एक्सचेंज उसको शंघाई कॉम के नाम से जानते हैं, और सिंगापुर का है सीमैक्स, इसको भी आप याद रख लीजिएगा सीमैक्स, ओके। और कौन सा बच रहा है, जापान, जापान का है निक्की, ओके। तो नॉस डॉक अमेरिका इज द राइट आंसर। अगला देखिए 24, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, चार ऑप्शंस हैं, 1959 या फिर 1949 में या फिर 1980 में या फिर 1969 में, बताना है आपको सही आंसर कि पहली बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, वो है 1969 में पहली बार भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इसके तहत। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि दूसरी बार, सेकंड टाइम कब हुआ था बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका सही आंसर, बताइएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, इजी क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप, चार ऑप्शन हैं, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली या फिर हैरोल्ड मैकमिलन या फिर रैमजी मैकडोनाल्ड। तो जो भारत की स्वतंत्रता थे इंडिया के फ्रीडम टाइम पे, जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे क्लीमेंट एटली साहब, याद रखना है आपको क्लीमेंट एटली, ओके। चलिए ये जो 25 क्वेश्चंस हैं ये हमने इसमें देखे वन बाय वन, जिसमें कि शुरू के जो 10 क्वेश्चंस थे वो करंट अफेयर पे बेस्ड थे, जो नेक्स्ट 15 थे वो जनरल नॉलेज यानी कि जी के पर बेस्ड थे, ओके। तो हमारे चैनल पे मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हमारे वीडियोस से अपडेट रहें, जितने भी नए वीडियोस आपको आते हैं अगर बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो बहुत सबसे पहले आप तक हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि हमारे चैनल पे बहुत ही जल्द एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 के लिए सब्जेक्ट वाइज रेगुलर क्लासेस शुरू हो रही हैं, जयपाल सर द्वारा एमपीजी के आपको प्रोवाइड होना शुरू हो जाएंगी, आज से ही क्लासेज जयपाल सर द्वारा एमपीजी के की, और मेरे द्वारा जो क्लासेज आएंगी रेगुलर क्लासेज प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए वो 1 तारीख के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, 1 तारीख तक जब तक मॉक टेस्ट का लाभ उठाइए, और हमारे चैनल के लिंक को जरूर शेयर करें जरूरतमंद तक जिन्हें ज़रूरत है, ओके। मिलते हैं फिर से एक नए मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल।